वेलकम बैक गाइस। तो देखो, सबसे पहले तो ये वीडियो जो है पीजे एक्सप्लेन को समर्पित है, क्योंकि पीजे एक्सप्लेन ने अधीरा के फर्स्ट स्ट्राइक पे जब रिएक्शन दिया था तो उन्होंने बोला था कि इसकी वीडियो मतलब इसके ऊपर एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना उनसे पहले मैं वीडियो बनाऊँ और उनको टैग करूँ, क्या पता शायद इससे मुझे कुछ व्यूज़ भी मिल जाए। और अगर कोई भी फैन पीजे एक्सप्लेन का ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ यार मेरी ये वीडियो उन तक पहुँचा दो। तो पहली बात तो बेसिकली इंडिया हर तरह की फिल्मों में देखो माहिर है, और हाँ इन्होंने हर तरीके की फिल्मों में जो है अच्छी खासी फिल्में दी है, लेकिन जब भी सुपर हीरो मूवीज की बात आती है तो पता नहीं क्यों इनका हाथ पीछे हो जाता है। और ये जो है द फ्लाइंग जाट जैसी मतलब सॉरी द फ्लाइंग जाट जैसी मूवीज को निकालते हैं और क्या बताऊं वो बेसिकली फ्लॉपी हो जाता है। लेकिन शायद अब जो है सुपर हीरोज को थोड़ी बहुत रिकॉग्निशन मिलनी शुरू हो गई है, जो कि बेसिकली साउथ इंडियन सिनेमा से आ रही है, क्योंकि वही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे लोग रिस्क लेने को हमेशा तैयार होते हैं। और ये बात पहली बार नहीं हो रही है, आप मिन्नल मुरली जैसी मूवीज को उठा के देख लीजिए, मतलब मिन्नल मुरली मूवी को उठा के देख लीजिए जो कि बेसिकली 2021 मतलब सॉरी 2022 में ही आई थी, शायद इसी साल ना नहीं 2021 के लास्ट दिसंबर में आई थी। और वो मूवी लिटरली ये हमें बताती है कि मूवी सुपर हीरो मूवीज कैसी होती है, इतने लो बजट में भी अपनी इतनी अच्छी स्टोरी के साथ बिना किसी अच्छी फाइट सिक्वेंस के भी वो मूवी हमें ये बता जाती है कि सुपर हीरो मूवीज को बनाने के लिए ज़्यादा बजट की जरूरत नहीं है, आपको एक अच्छी खासी स्टोरी भी सुपर हीरो मूवी बना सकती है। खैर इन सब बातों को साइड में रखते हैं और आज हम जिस मतलब जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक पे आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स की, जो कि पहली बार इंडिया में एक ऐसे सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने वाला है जो कि बना रहे हैं हमारे प्रशांत वर्मा। और इस सिनेमैटिक यूनिवर्स का नाम है प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की आई दो फिल्मों की टीजर के बारे में, जिसमें सबसे पहला टीजर आता है हनुमान का। जी हाँ, हनुमान नहीं, हनुमान का। एक्चुअली में ये कोई टीजर तो नहीं, कह लेते कैरेक्टर प्रोमो था, जिसमें हमें दिखाया गया है हनुमंतु को, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं तेजा सज्जा सर। टीजर में बैकग्राउंड म्यूजिक तो काफी ज्यादा बढ़िया है और इसी के साथ साथ इस मूवी की क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा कड़क लग रही है। अब इसको प्रूव करने के लिए आप यही सीन देख लीजिए जब अपना हीरो जो है जमीन पे पंच मारता है। जी हाँ, जब अपना हीरो जमीन पे पंच मारता है तो उसकी फोर्स को साबित करने के लिए वो जो हाथ में उसने बैंड पहन रखा होता है और उसके हाथ के जो रोए होते हैं यानी छोटे छोटे जो बाल होते हैं वो भी ऊपर चले जाने लगते हैं। मतलब ये चीज दर्शाती है कि मूवी में कितनी छोटी छोटी चीजों को अच्छी तरीके से बारीकियों को नजर में रखा गया है। और इसके साथ और भी काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव मतलब इंफॉर्मेटिव चीजें इसमें दिखाई गई है, जैसे अपना हीरो गुलेल चलाता है और शायद ये उसका वेपन भी हो सकता है, या फिर ये दिखाया जाना मतलब ये दिखाया जाना चाहता है डायरेक्टर कि अपना हीरो जो है निशानेबाजी में काफी ज्यादा बढ़िया है। और इसके गले पे एक लॉकेट होता है जिसपे भी काफी ज्यादा फोकस किया गया, शायद ये मूवी में कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और हाँ, लास्ट में मूवी के जब मतलब टीजर का एंड होने लगता है तो लास्ट में एक लक्ष्मी पत्थर दिखाया जाता है जो शायद कि बेसिकली मतलब ये हीरो को पावर देगा इस मूवी में या फिर कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस मूवी में। अब ये तो मेरा ओपिनियन हो गया हनुमान के टीजर को लेके। अब बात करते हैं प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की दूसरी आई मूवी के टीजर के बारे में, जिसका नाम है अधीरा फर्स्ट स्ट्राइक। टीजर में या फिर जो भी कह लो फर्स्ट स्ट्राइक में जो बीजीएम यूज हुआ है ओवरऑल काफी ज्यादा कड़क है। देखो यार, साउथ इंडस्ट्री वाले बीजीएम बहुत अच्छा बनाते हैं, कुछ भी कह लो उनकी बीजीएम एक से एक बढ़ के और कड़क होती हैं। और इसके साथ ही मूवी की क्वालिटी जो है काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है, लगता है डीवीवी वालों ने पैसा फूका है भाई, बेटे को लॉन्च कर रहे हैं अब नेपोटिज्म, पर कोई बात नहीं। खैर, अब इस मूवी मतलब इस टीजर का जो मतलब लुक था काफी ज्यादा बढ़िया था। और इस टीजर मुझे ये वाला सीन जो है पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा पसंद आया, जो कि एक बैटमैन वाली फीलिंग देता है यार। मतलब इसका कॉस्ट्यूम देख के एक बैडएस वाली फीलिंग आती है कि हाँ भाई अपना जो सुपर हीरो है एक मतलब बढ़िया सुपर हीरो होने वाला है, एक बैडएस सुपर हीरो होने वाला है। और इसी के साथ साथ और भी कई सारी चीजें जो है इंफॉर्मेटिव चीजें इसमें दिखाई गई है। अगर नोटिस करें तो इसमें एक बिजली दिखाई गई है नीले कलर की, जो शायद से हीरो का मेन सोर्स है पावर का। एक सीन में इसी बिजली से एक पर्सन को एक इंसान को जिंदा भी कर देता है। और लास्ट में हमें इनके हाथ में हड्डियों से बना एक अस्त्र दिखाई देता है जो प्रोबेबली शायद
भगवान इंद्र का कोई अस्त्र हो सकता है, जो कि भगवान इंद्र के पास एक अस्त्र होता है वज्र, जो शायद ये हो सकता है। अब देखो ये मेरा ओवरऑल ओपिनियन तो नहीं है अभी, क्योंकि ट्रेलर आएगा तो शायद पता चल जाए कि हाँ ये वही है, बट इसका कोई ना कोई कनेक्शन इससे हो सकता है प्रॉबेबली। अब जब ट्रेलर आएगा तो इसका अंदाजा हम लगाएंगे, अभी इसके बारे में इतनी बात करते हैं। क्योंकि देखो जितना बड़ा ट्रेलर होगा, जितना बड़ा टीज़र होगा अब उतनी बड़ी तो वीडियो बने यार, अब कितना लंबा खींचेंगे एक छोटी सी टीज़र को लेके। तो अब जब ट्रेलर आएगा तो इसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। तो बस अभी के लिए इतना ही। और अगर आपने अभी तक दोनों टीज़र नहीं देखे तो क्या कर रहे हो यार, कोई बंदा एक सिनेमैटिक यूनिवर्स इंडिया में पहली बार खड़ा करने की कोशिश कर रहा, तो थोड़ा सपोर्ट करो, जाके टीज़र वीज़र देखो। तो बस यार आज के लिए सिर्फ इतना। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है यार तो बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर वीडियो यहाँ तक देख ही ली है तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब करने जा रहे हो तो कमेंट करना मत भूलना, और अगर कमेंट करने जा रहे हो तो बीच में सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, अगर लाल होगा तो ग्रे कर देना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि अगर मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और अगर कोई पीजे भैया का, देखो भाई सबसे पहले पीजे एक्सप्लेन का कोई अगर फैन वीडियो यहाँ तक देख रहा है तो प्लीज़ यार फिर से बोल रहा हूँ, पीजे भैया तक ये वीडियो कुछ भी करके पहुँचा दो अगर हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है तो। प्रॉबेबली मेरा हो गया आज के लिए सिर्फ इतना है, और अगर कल मूवी आ रही है RRR उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया तो आप देख ही लोगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।